आदाब नाजरीन, आईएनडी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम। अपन चीखा मानना नहीं है, अब उनके चीखा निकालना। अब चीखा अपने को मारना नहीं है, अब आप ऐसे तैयार हो जाए कि आपको देख के उनके चीखा निकल जाए। इससे पहले कि अपनी तकरीर का आगाज करूं, हमारे कायद तशरीफ फरमा है, माशाल्लाह नौजवान कायद है, मगर नौजवान बोलना नहीं बोलना सोच रहा हूँ, इस वक्त फादर इन ला हो गए हैं। अब फादर इन ला बोले तो मालूम है ना, माशाल्लाह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी बैठते हैं जवान नजर आते हैं। इस बात से पूरे हाल में कागदा फाड़े सबके क्या क्या फट गए पता नहीं, ऐसा मालूम हो रहा था सबकी मिजाजें बाहर हो गई है, अपने हाल उनके पूरे बाहर आ गए। अब ये छोटी गर्दन की अभी गुफ्तगू हो रही थी, अब छोटी गर्दन समझ में आए कौन है? शाह साहब, शाह साहब उनकी गर्दन ही नहीं दिखती, फांसी कहां से देना समझ में नहीं आ रहा। लटका है तो किधर से लटकाना, नीचे से ऊपर से समझ में नहीं आ रहा। मेरे अजीज दोस्तों, आपको और हम यहाँ आज आपके पास आने का मकसद क्या है मालूम है? आपके चीखा सुनने आए, वो तो बेवाएं पहले से मार रहे हैं, और खुशन इसकी बेवा तो बहुत मार रही चीखा बिचारी। मगर आपको अब मेरे को ये करना है कि ये काला कानून जो ये लेके आ रहे हैं, खुद कानून का पता इनको नहीं है। एक साहब शादी हुई के बाद पूछे, कहते शादी किसको बोलते? ऐसी पूरा हुए के बाद अमित शाह से इन्होंने पूछे, कहते मियाँ ये क्या लेके आए? मैं तो विकास लाओ बोला था, तुम क्या किसको लेके आए? तो बोले, कहते एनपीआर को लाया मैं, सीए को लाया मैं। तो बोले मेरा विकास का है फिर पूछे। कहते मेरे अजीज दोस्तों, आज हमको मुत्तहिद होकर माशाल्लाह आप स्टेज पे देख रहे हैं, हमारे फादर भी बैठे हैं यहाँ, हमारे सीपीआई सीपीएम वाले बैठे हैं, हर वो जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है वो अपने को ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो हिंदुस्तान को तकसीम करे। ये कमबख्त जब से आए हैं सिर्फ बांटने की तैयारी कर रहे हैं, असल बटावा खा खा के है ना, बची सो चाय पी के आए और बच्ची सो चाय हमको पिलाने की चक्कर में है। मियाँ वो आपको मुबारक बाबा, आप पियो, मगर हमको एक बात याद रख लो, अब चाय पूरी पी के उसको बराबर पूरी करना है और उनको ये बताना है, मियाँ अब तुम्हारे ये पूरे जितने तुम कानून ला रहे हैं एक अजीब हाल है, जब से इन्हों बैठे हैं सिर्फ एक पास करने में छे, ये साल उनका पास करने में निकल जा रहा, वो साल निकलने में थे अब निकालने में है। वो पांच साल सिर्फ निकल रहे थे, अब ये पांच साल वो निकाल रहे, कभी ये कानून निकाल रहे हैं, कभी ये कानून निकाल रहे हैं, कभी अपना कोई एक मसला हल करा रहे हैं, बल्कि नोटबंदी में अपना भी फायदा करा रहे हैं। अब हमारे को ये कानूनों से डरना नहीं है, हम एक से डरने वाले, हर एक से डरने वाले हैं। किससे डरते आप? एक से डरते, हर एक से डरते? नहीं, हर एक से भी डरते ना घर में, वो कोई नहीं बोल सकता मैं नहीं डरता बोल के, माशाल्लाह से बड़ा बड़ा एक सर्कल एक डीसीपी साहब थे मेरे पास, मेरे पास आए मुलाकात करके, वो जाने लगे बोला क्या है, तो घर वाले पूछते साहब ड्यूटी खत्म हो गई तो कहीं को नहीं आया बोली, बोला यार तुम तो यहाँ बहुत जबरदस्त बाडी वाडी बना के, बोले पूरी बाडी अंदर निकल जाती है वहाँ, ये घर वालों के होम मिनिस्टर का रोप है, ये होम मिनिस्टर का नहीं बोल रहा हूँ जो ऊपर बैठा हुआ है, किधर से भी नहीं दिखता कम्बागढ़ होम मिनिस्टर।
आपको और मेरे को यह तय कर लेना है कि एक से डरो, हर एक का डर अल्लाह का निकल जाएगा। हम अल्लाह से डरना छोड़ दिए, सासी मामूली झटके वाले भी आके अपने को डरा रहे, और ये झटके वालों से डरना नहीं है। इस वक्त आपको शऊर बेदार करना है, पहले ये समझ लो। ये जो आपको ये सामने माशाल्लाह नौजवान पूरे पेन के ठहर रहे हैं, NPR फुल फॉर्म एक मिनिस्टर साहब से पूछ रहे हैं, टीवी वाले तो जवाब ही नहीं दे सक रहे बिचारे। BJP के मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह क्या लिया लायक है सब जने। ऐसे लोगों को ये तक नहीं मालूम NPR CAA क्या है, बस चला रही सैफी अपनी चल जा रही है। मगर मुख्तसर ही है मेरे अजीज दोस्तों, आज आपने इस सर्दी में और इस प्रोग्राम को रख दिया, रख कर ये बता दिया कि आज भी हमारा ईमान जिंदा है, हम सब एक है, हम हिंदुस्तानी एक है, हम सब मिलकर मुत्तहिद तौर पर ये हुकूमत को बता देंगे। मियां कमल का फूल है, किसी काम का नहीं होता, ना खबर पे चढ़ता ना किसी के सिर पे लगता, किसी के पास काम आता सब। मैं नहीं मालूम था, मैं पीछे भी पूछ लिया, वो कमल का फूल कहीं काम नहीं आता। कोई भी बच्चों को कमल के फूल के साथ खेलते हुए देखे, हाँ बस इनके ऊपर ही काम आता हो, ऐसा काम आ रहा कि इंशाल्लाह इसके बाद उनका वो काम कहीं नहीं रहेगा। इंशाल्लाह बोलो। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, अपने को खायत को सुनना है, जरा आपको खायत के तकरीर सुनने से पहले जरा तैयार कर दिया हूँ, अब जरा खायत की बात सुन के अमल करो, फिर सुबह में अनक को पूछो क्या बोल के गए थे रात में। हाँ ये सबसे आसान बात बता रहे हैं हम आपको, ये जो लेके आए हैं कानून, ये सिर्फ हमको बांटने की तैयारी कर और हमको ये दिखा रहे हैं कि हम तकसीम कर रहे हैं, अगरचे कि ये तकसीम करने में इंशाल्लाह उन्हों तकसीम हो जाएंगे, उन्हों बच जाएंगे, उनकी हुकूमतें चले जाएगी, उनको अल्लाह ने तहस नहस करके रख देगा, मगर हमको बांटने की कोशिश करने वाले कभी जिंदा नहीं रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको मुत्तहिद रखे और हम सबकी हिफाजत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम।